नारी शक्ति ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रखी है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो। नारी शक्ति पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज हम ऐसी नारी की बात करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली है और अपनी दिल्ली वीजा काउंसलर की नौकरी छोड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए मधुमक्खी पालन में जुट गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। शक्ति ने आज कई क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, सेना हो, राजनीति हो या फिर साहस। आज वह पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। नारी को ऐसे ही शक्ति रूप नहीं कहा जाता। इसी कड़ी में आज हम ऐसी ही महिला की बात कर रहे हैं जिसने पुरुषों के इस कार्य को भी निर्भरता से अपनाते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। यह एक सफल युवा उद्यमी महिला मधुमक्खी पालक की कहानी है जिसने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की सोच से दिल्ली में वीजा काउंसलर की नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन में जुट गई और अपनी मेहनत और लगन के साथ मधुमक्खी पालन कर रही हैं। ये पहली महिला मधुमक्खी पालक बनकर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों का गौरव बढ़ा रही हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले से 20 किलोमीटर दूर बसे अठाना नगर की बहू अपने दिल्ली की वीजा काउंसलिंग की नौकरी को छोड़कर मधुमक्खी पालन कर अपने स्वयं की ब्रांड बनाकर व्यापार कर रही हैं। मध्य प्रदेश की बहू और राजस्थान की बेटी मीनाक्षी के धाकड़ दोनों राज्यों का गौरव बढ़ा रही हैं। उनका साहस महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। मीनाक्षी धाकड़ मधुमक्खी पालक। मैं पहले दिल्ली में वीजा काउंसलर की जॉब करती थी और आज मैं मधुमक्खी पालन करती हूँ। मैंने ये जो डिसीजन लिया था खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिया था, तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने काफी सोच विचार के बाद मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया और आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ, एक लग्जरी लाइफ छोड़ के एक गाँव की लाइफ जी रही हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है ये लाइफ जीते हुए। जैसा कि आप सब अभी कोरोना काल में देख ही रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे लोगों को नेचुरल चीजें चाहिए थी, आयुर्वेदिक चीजें चाहिए थी, प्राकृतिक पूरा माहौल चाहिए था। उसी के दौरान कोरोना के दौरान लोग कहीं निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन गांव की लाइफ में कोई असर नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है। और गांव के लोग जैसा पहले जीवन जी रहे थे वैसा ही आज जीवन जी रहे हैं, मतलब अपने खेतों पे जाना, उनका डेली रूटीन जो होता था वही कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने अपना जो डिसीजन लिया था मधुमक्खी पालन का गाँव में रहते हुए, उसे मैं काफी अच्छी तरीके से उस डिसीजन पे वर्क भी कर रही हूँ और मुझे काफी अच्छा भी लगता है ये काम करते हुए। और जब मैंने मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया था और उसके बाद जो हनी प्रोडक्शन मेरा होता था, तो उस हनी प्रोडक्शन को मैंने दूसरी कंपनियों को बल्क में ना देने की जगह मैंने अपनी खुद की ब्रांड दीर्घायु भवा करके मार्केट में सेल करी। खुद की ब्रांड बनाने का मतलब मोटिव मेरा ये था कि मैं इसके थ्रू, दीर्घायु भव के थ्रू, मैं काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ों को, महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकूं, उनको रोज़गार दे सकूं, ताकि वो भी मेरी तरह आगे, जैसे कि मैं स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ा रही हूं धीरे धीरे, वैसे ही वो महिलाएं मेरी तरह मेरे साथ चलें, या वो अपना खुद का भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ भी चल सकते हैं, तो उनको भी मैं स्वरोजगार के लिए आगे प्रोत्साहित करूंगी। और मैं उनको लगातार प्रशिक्षण दे ही रही हूं पैकेजिंग के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। जिस किसी को भी शर्ट की आवश्यकता हो आप हमें हमारे नंबर, जैसा कि अभी आपने मार्केट में देखा होगा कि सिर्फ एक ही तरह का हनी मिलता है ब्राउन ब्राउन कलर में, अभी हमने दीर्घायु भवों के माध्यम से हम ये सबको ये भी बताना चाहते हैं कि हनी एक ही तरीके का नहीं होता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जिस भी फ्लावर पे बैठती है, जिस भी फूल पे बैठती है, तो अलग अलग तरीके के हनी बना लेती है, मतलब वो नेचुरली बनाती है, इसमें कोई फ्लेवर या कुछ ऐड नहीं होता है कि कोई फ्लेवर ऐड कर दिया हो। तो जैसा अभी हमने फिलहाल तीन तरह के हनी निकाले हैं, अजवाइन हनी, बबूल हनी और मस्टर्ड यानी कि सरसों हनी। तो ये हनी जो है अलग अलग फ्लेवर में निकले हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये खुद फ्लेवर हमें डालना पड़ रहा है, ये फ्लेवर जो होता है खुद मधुमक्खियां नेचुरल तरीके से बनाती है। और आगे हम अभी जो काम कर रहे हैं हनी के साथ, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हनी से, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो सबसे पहले हमने अभी हनी गुलकंद निकाला है, ताजे फूल की गुलाब की पत्तियों से हनी गुलकंद बनता है, वो हमने अभी तैयार किया है। साथ ही साथ हम मधुमक्खियों से होने वाले फायदों के बारे में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो उनके बारे में जानें कि मधुमक्खियों से फसलों में कितना फ़ायदा होता है, सब्जियों में कितना फ़ायदा होता है और फलों में कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि जो इनकी परागण क्रिया होती है उसी के द्वारा फसलों में और सब्जियों में काफ़ी फ़ायदा होता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। मैं जगवीर सिंह, जिलाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ, ब्लॉक प्रमुख खंडौली। मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सभी अपने जिला आगरा के सम्मानित वासियों को और विधानसभा एदमापुर के वासियों को मैं इस दोनों तीनों महापर्वों की
मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और मैं बधाई देता हूँ। और एक अब निवेदन भी करना चाहता हूँ, सुझाव भी है मेरा कि जो COVID-19 का इस समय प्रकोप है अपने प्रदेश में, देश में और ज़िले में भी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कम से कम जो एक हमारा रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, भाई बहन का रिश्ता है, तो हमारी बहनें आना जाना तमाम आती हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम अपने वाहन से आएँ या किसी वाहन से आएँ, बस द्वारा या टेम्पो द्वारा, अपना मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का करें। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सैनिटाइज का प्रयोग करें, सैनिटाइज नहीं भी उपस्थित है तो साबुन का प्रयोग करें। और इस अवसर पर यही मेरी शुभकामनाएँ इस पवित्र त्यौहार पर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं JP यादव, समाजसेवी, आप सभी को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व अभिनंदन करता हूँ। त्यौहार को अपने परिवार के साथ भी मनाएं, लॉकडाउन का पालन करें, परिवार के लिए कोरोना से सुरक्षा जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम।